हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग अलजेब्रा का पांचवा क्लास होने जा रहा है। हम लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट ही आप पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग पावर को पाँच गुना करने, छः गुना करने, सात गुना करने, आठ गुना करने, नौ गुना करने आदि पढ़ेंगे, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कैसे हम लोग जो है पावर को पाँच गुना करते हैं। इसके पहले यदि आप लोग जो है यदि कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से मतलब कि जो है गुजारिश है कि सबसे पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करने वाले लोग लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाने वाले बेल आइकन दबाइए तुरंत, जो है ना। अभी तुरंत आपका क्लास शुरू हो रहा है, अंत तक आप पढ़िएगा क्योंकि जो है इसमें बहुत कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है। यदि अंत तक नहीं पढ़िएगा तो आधी बात समझ में आएगी और आधी समझ में नहीं आएगी। तो इस जो है क्लास को आप अंत तक जरूर पढ़िएगा। चलिए ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं। पहला चीज़ जो है आपका यहाँ पर जो है हम लोग पहला चीज़ सीखेंगे पावर पाँच गुना करना। तो पावर पाँच गुना करना कैसे करते हैं इसको हम लोग जानेंगे। जैसे एक पहले कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कि कैसे होगा, जरा गुना देखिएगा। जैसे हम लोग जो है एक्स क्यूब प्लस वन बटे एक्स क्यूब और इसको गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर से हम लोग गुना करके देखते हैं क्या परिणाम आता, इससे कोई निष्कर्ष हमारा निकलता है कि नहीं निकलता। अभी आपको जब ये दोनों को गुना करते हैं तो एक परिणाम हमको आएगा। जब इसको गुना करेंगे तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से गुना होगा तो ये पावर जुट जाएगा। जानते होंगे कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से गुना होगा तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर दोनों का पावर जोड़ के एक्स पर पावर पाँच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका एक्स पर पावर पाँच बनेगा। फिर इसका मतलब दोनों का लास्ट पदों को गुना करेंगे, यानी इसका वन बटे एक्स क्यूब और वन बटे एक्स स्क्वायर ये दोनों को गुना करेंगे। पहले फर्स्ट वाला को गुना किया दोनों का, फिर दोनों के लास्ट वाला को पद को गुना करेंगे। और जब दोनों लास्ट वाला गुना करेंगे तो यहाँ भी पावर जुटेगा। यहाँ पावर तीन है, यहाँ दो है, तो तीनों दो पाँच हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा वन बटे एक्स पर पावर पाँच आ जाएगा। तो ये तो मैंने फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और लास्ट का लास्ट के साथ गुना किया। अभी और गुना होता है, फर्स्ट वाला का लास्ट वाला के साथ, लास्ट वाला का फर्स्ट वाला के साथ गुना होता है। तो ये जो है इसके आगे भी गुना होगा। अभी आपको देखिएगा कि फर्स्ट वाला का लास्ट वाला के साथ में गुना होगा तो एक्स क्यूब और वन बटा एक्स स्क्वायर जब गुना होगा तो आपको एक्स क्यूब ध्यान से समझिएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बटा गुना हो जाएगा आपको वन बटा एक्स स्क्वायर से। तो आप जरा से समझिएगा पावर कट के एक आ जाएगा, यानी एक्स आपका बन जाएगा। फिर जरा देखिएगा इसका सेकेंड वाला और इसका जो है आपको थर्ड वाला यानी गुना होगा, इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला गुना होगा। जब एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर से गुना होगा यानी वन बटे एक्स क्यू और गुना वन बटे एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो है एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आपको कटने पर नीचे में आ जाएगा एक्स यानी आपका बन जाएगा वन बटा एक्स। आप देखिएगा कि इसका मान आपको निकल जाएगा, ये एक्स पर पावर पाँच और वन बटे एक्स पर पावर पाँच का मान निकल जाएगा। सिर्फ इस पद को एक्स प्लस वन बटे एक्स को इस साइड में लाना पड़ेगा। तो इसका मान देखिएगा आराम से निकल गया एक्स पर पावर फाइव प्लस वन बटे एक्स पर पावर फाइव, है ना, बराबर आपका निकल जाएगा। देखिएगा ये फर्स्ट पद हो गया एक्स क्यूब प्लस वन बटे एक्स क्यूब और इंटू आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपको। ये जब आएगा इधर ये प्लस चिन्ह के साथ है, इस साइड आएगा तो माइनस चिन्ह के साथ होगा एक्स प्लस वन बटे एक्स। ये फॉर्मूला आपका बन गया, बहुत सिंपल फॉर्मूला बन गया। ऐसा फॉर्मूला आपको जो है बन गया, बहुत आसानी से बन गया। तो आपको इस फॉर्मूला से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ये पावर पाँच वाला यानी पावर पाँच गुना करना आप सीख सकते हैं। ये फॉर्मूला का कंसेप्ट हम इसलिए बताएं कि ताकि आपको मैटर समझ में आ जाए कि कैसे होता है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। लेकिन जरा समझिए इसको, आज सिंपल समझिए। जैसे ही पावर तीन है और दो है तो तीन और दो मिला के यानी पाँच को तोड़ा गया पहले तीन और दो में, अब तीन और दो पावर का अंतर कितना होता है एक, तो एक पावर वाला से घटा दिया गया, है ना। इसको और भी तरीका से तोड़ सकते हैं, जैसे आप देखिएगा तीन और दो में टूटा और उसके अंतर वाला को घटाया गया। अब आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, एक्स पर पावर चार प्लस वन बटे एक्स पर पावर चार, आप एक में तोड़ेंगे, है ना, गुना है आपका एक्स, एक में टूटेगा तो एक्स
और जो है आपको प्लस वन बटे एक्स, ये पावर चार है, पावर एक वाला आया तो घटेगा चार और एक का अंतर पावर तीन वाला यानी एक्स क्यूब प्लस वन बटे एक्स क्यूब, ऐसे घटा करके भी बन सकता। तो ये जब चार और एक में तोड़िएगा, चार और एक को गुना कीजिएगा तो ये दोनों के अंतर से आपको क्यूब वाला घटाना होगा। जब तीन और दो में जोड़िएगा तो तीन और दो का अंतर एक होता है, पावर एक वाला को घटाना होता है। तो ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान ऊपर वाला फॉर्मूला है जो कि आसानी से होता है। तो आपके तोड़ने पर डिपेंड करता है कि कैसे आपको तोड़ना है। तो ये सरल तरीका होता है, न्यूनतम अंतर में तोड़ते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से आपको जो है पावर सात वाला या पावर नौ वाला को भी तोड़ा जाता है, लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे पावर पांच वाला को। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न कैसे हल होता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। फॉर्मूला तो आ गया, समझ भी गए होंगे, जैसे आपको समझे होंगे, x पर पावर 5 प्लस 1 बटे x पर पावर 5, अभी टूटेगा 5 टूटेगा 3 और 2 में, 5 टूटेगा 3 और 2 में, तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब, ये 3 वाला, फिर 2 पावर वाला, 3 और 2 5 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, और माइनस ये दोनों का अंतर, 3 और 2 का अंतर एक पावर में होता है, तो आपको x प्लस वन बटे एक्स, तो ये तोड़ने आपको आना चाहिए। आप सात वाला भी बना सकते हैं, मान लीजिए कि आपको x पर पावर सात है और प्लस वन बटे एक्स पर पावर सात है, इसका फॉर्मूला निकालना, इसका भी फॉर्मूला निकलेगा। इसको तोड़ेंगे चार या और किस में, तीन में, चार और तीन जोड़ के सात, चार और तीन जोड़ के सात, तो ये हो जाएगा x पर पावर चार प्लस x पर पावर चार इंटू तीन, तीन पावर वाला, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटे एक्स क्यूब, है ना। अब चार और तीन का अंतर वाला घट जाएगा, चार और तीन के अंतर में एक होता है, एक पावर वाला घट जाएगा यानी एक्स प्लस वन बटे एक्स, इस तरह से सात पावर में बन गया। आप चाहे तो नौ पावर वाला को भी बना सकते हैं, है ना, चार और पांच में टूट जाएगा। जैसे आप देखिएगा, आपको तोड़ना रहेगा मान लीजिए एक्स पर पावर नौ और प्लस वन बटे एक्स पर पावर नौ, अब इसको तोड़ना है, ये चार और पांच जोड़ के नौ होता, तो x पर पावर पांच प्लस वन बटे x पर पावर पांच, ये पांच पावर हुआ, चार और जोड़ना होगा, तो यहां पर देखेंगे इसमें जो है x पर पावर चार प्लस वन बटे x पर पावर चार, और माइनस माइनस पांच और चार का अंतर एक होता है, तो x प्लस वन बटे x, इस तरीके से टूटेगा। आप ग्यारह में भी तोड़ सकते हैं, ग्यारह पावर रहेगा तो उसको भी तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसा रहता, x पर पावर 11 प्लस 1 बटे x पर पावर 11 बराबर, ये 6 5 में टूटेगा, 6 5 11 होता, तो x पर पावर 6 प्लस 1 बटे x पर पावर 6, और उसके बाद में आप समझिए x पर पावर 5 प्लस 1 बटे x पर पावर 5, तो 6 5 11 हो गया, और ये दोनों का अंतर एक आता है, तो एक वाला घट जाएगा x प्लस 1 बटे x। तो ये फॉर्मूला आपको समझना है, इसको क्रिएट करना जानना है, कैसे ही पैदा होता है फॉर्मूला, कैसे ही निर्मित होता है, ये सारा चीज समझना है। यदि आप क्रिएशन समझ गए हैं तो आपको सारा फॉर्मूला भी याद रहेगा, और फॉर्मूला याद रहेगा तो सारा प्रश्न भी आपसे हल हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट इसका समझना था, आपको फॉर्मूला में कोई जान नहीं है। यदि आपको इसका मान निकालना है तो एक्स क्यूब तीन और दो में टूट जाएगा, पांच पावर का मान निकालना है, तीन और दो में तोड़ के बना देना है। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए बहुत सिंपल ढंग से। अभी देखिएगा यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया, जो ये प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको x प्लस वन बटे एक्स बराबर तीन हो तो x पर पावर पाँच प्लस वन बटे एक्स पर पावर पाँच का मान निकालें। तो आप ध्यान से समझिएगा, आपको इसका मान निकालना है x पर पावर पाँच, है ना। तो पाँच को निकालने के लिए, पाँच पावर निकालने के लिए आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगा। पहला जरूरत पड़ेगा पावर तीन वाला, फिर पावर दो वाला, है ना, तब जाके निकलेगा पांच वाला पावर। बिना तीन और दो किए हुए पांच पावर का मान एकाएक को निकलेगा नहीं। तो पहला जरा समझिए, सबसे पहले ये दिया हुआ x प्लस वन बटे एक्स बराबर क्या दिया हुआ, तीन, तो दो पावर में निकालेंगे, तो पावर दुगना करना आपको सिखाए थे, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, तो इसका बताए थे तीन के स्क्वायर माइनस, आपको फॉर्मूला जानते होंगे, इसका वर्ग करके दो घटाना है, यहाँ पर प्लस है तो दो घटता, तो यहाँ पर इसका मान तीन के स्क्वायर माइनस दो, यानी कि तीन तीनों में से दो घट गया, सात आ गया।
अब जो है आपको q वाला भी मान निकालना, क्योंकि तीन और दो जोड़ के पांच होता है, तो x क्यूब और प्लस वन बटे x क्यूब इसका, तो पावर तीन गुना यही से कर रहे हैं, यहाँ से देखिए इससे है ना, तो तीन का घन 27 हो जाएगा, तीन का घन 27 और प्लस है तो माइनस होगा तीन का तीन गुना। अब इससे हमारा क्या मान आएगा, इस 27 में से 9 घट जाएगा 18 आ जाएगा। अब जो है आपको इसका मान क्या होगा निकल जाएगा, यानी x पर पावर 5 प्लस 1 बटे x पर पावर 5 बराबर क्या होगा, आप फॉर्मूला जानते हैं, सारा फॉर्मूला पता है, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब है ना, और इंटू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, और इसमें माइनस हो जाएगा, ये दोनों के पावर के अंतर जितना रहेगा उसके। अब आपको यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 बटे x, ये पावर एक का अंतर है, यानी तीन में से दो गया एक, एक पावर वाला घट जाता है, तो ये अध्ययन रखना है आपको। अभी आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मान केवल रख देना, आपने निकाला हुआ है इसका मान 18 है, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर 18, यहाँ 18 डाल देंगे, फिर गुना x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर 7 है, ये 7 हो गया, इसका भी मान दिया हुआ है x प्लस 1 बटे x बराबर 3 दिया हुआ है, ये 3 हो जाएगा, 18 से 26 से 126 माइनस 3 बराबर 123 आंसर आपका हुआ। ये कई एक बार क्वेश्चन आया है जिसको कि हल किया जा रहा, तो ध्यान से समझना अध्ययन करना है। अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आज तक वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि बहुत रहस्य छुपा हुआ है इसमें, आपको ध्यान देना है, पूरा देखिएगा। अभी आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं, अगला प्रश्न भी इसी तरह से बनने वाला है क्योंकि सेम टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। अभी ये प्रश्न है, ये भी आपको सेम टाइप का है, ये पावर 5 गुना है, यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 25 हुआ, इसका मतलब पावर जो है आपको 5 गुना होने जा रहा, तो पावर 5 गुना होगा तो इसको समझना है कि पावर 5 गुना कैसे होगा, है ना, ये पावर 5 गुना का अध्ययन करना है, ये 5 गुना भी तो ऐसे ही होगा, सेम टाइप का होगा है ना, पहले पावर 2 गुना फिर 3 गुना है ना, दुगुना आप 3 गुना कर देंगे तो आपका जवाब निकल जाएगा, और ये पावर 25 है तो जरा समझिएगा, x पर पावर 5 हो जाएगा और प्लस 1 बटे x पर पावर 5 हो जाएगा, इसका मान हमको दिया हुआ अंडर रूट 13, ध्यान से समझिए, अंडर रूट 13 दिया गया है। अब जरा पावर पहले हम लोग दुगुना करेंगे, यानी x पर पावर 10 प्लस 1 बटे x पर पावर 10, अभी पावर दुगुना करने के लिए रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 13 का स्क्वायर और माइनस 2, अब बताइए रूट 13 का स्क्वायर 13, 13 में से 2 घट गया तो क्या बचा 9, अब जो है इसका पावर 3 गुना करना, यानी आपको यहाँ से x पर पावर 15 और प्लस 1 बटे x पर पावर 15 इसका मान निकालना, तो ये 9 का क्यूब हो जाएगा, आईसी में घट जाएगा 9 का 3 गुना, 9 का क्यूब होता है 729, अब 3 गुना 27 घट जाएगा तो बच जाएगा आपको 702, ये जवाब हो गया 702 आया। अब आपको जो है इसका मान निकालना है, जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 10 और 15 मिलके पावर कितना हो जाएगा 25, तो इसका मान निकल जाएगा x पर पावर 25 प्लस 1 बटे x पर पावर 25, ध्यान से समझिए। अब इसके लिए 25 को हम लोग तोड़ेंगे किस में, 10 और 15 में, 25 को तोड़ेंगे 10 और 15 में, अब घट जाएगा हमारा कितना 5 है ना, तो आपको x पर पावर 15 हो जाएगा प्लस 1 बटे x पर पावर 15 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा आपको x पर पावर 10 और प्लस 1 बटे x पर पावर 10, और ये दोनों में अंतर 5 का है तो 5 वाला घटेगा, यानी x पर पावर 5 और प्लस 1 बटे x पर पावर 5, ये तरीका हो गया आपको तोड़ने के लिए। देखिए 25 पावर है, 15 और 10 25 पावर, और फिर 15 और 10 का अंतर 5, 5 पावर वाला घट गया। अब आपको यहाँ से सबका मान आप निकालेंगे, इसका मान 15 वाला का मान देखिए 702 है, यहाँ 702 हो जाएगा, ये 10 वाला का मान जो है आपको 9 है तो ये 9 आ जाएगा, और ये 5 वाला का मान आपको रूट अंडर 13 है, ये तो रूट अंडर 13 ही रहेगा, इसको आप गुना कीजिएगा तो 9 दुनिया 18, 18 सत्य 9 सत्य 63,
ये 63/18 हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 13 यही आपका आंसर बन जाएगा। तो आप किसी भी संख्या का पावर जो है आपको इस तरह से ला सकते हैं, कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, आपको बताया थे कि इस तरह के कंसेप्ट का हमेशा जो है त्रिकोणमिति में भी इस्तेमाल होता है। अभी टैन थीटा का रेसिप्रोकल जो है कॉट थीटा होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, आपको जोड़ के 4 है, इस पर पावर 1-1 है, टैन और कॉट पर पावर 1-1 है, इधर 5-5 हो गया है। तो आपको जो है इसका मतलब ये हुआ कि पावर हमको 5 गुना करना, तो सेम कंसेप्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पावर 5 में लाना है तो इसके लिए 3 और 2 टूटेगा, 3 और 2 5 होता है। तो आपको सबसे पहले टैन थीटा ध्यान से समझिएगा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 दिया गया। आप जरा समझिएगा, ये 4 दिया गया है तो इसका पावर 2 निकालेंगे, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये 4 के स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 में से 2 जाएगा तो 14, ये जवाब हो गया। आप जरा ध्यान देंगे, अभी पावर 3 करेंगे तो टैन क्यूब थीटा, टैन क्यूब थीटा और प्लस कॉट क्यूब थीटा, है ना। तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 4 के 3 गुना 12 घटेगा, तो 64 में से 12 घटेगा तो ये 52 हो जाएगा, 52 आ जाएगा। अब जरा 52 आ गया, ध्यान से समझिएगा, अब इसका मान निकल जाएगा टैन 5 थीटा, टैन 5 थीटा प्लस जो है कॉट 5 थीटा। अब इसका मान निकालने के लिए वही टूटेगा फॉर्मूला, लिखे या ना लिखे, अभी आपको देखिएगा ये हो जाएगा कॉट क्यूब थीटा, टैन क्यूब थीटा, टैन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, है ना। इंटू हो जाएगा आपको टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा टैन थीटा और प्लस हो जाएगा कॉट थीटा, ये चीज है। अब यहां से इस सब का मान दे देना, है ना, इसका मान दे दीजिएगा, यहां पर से हटा करके यहां लिख दीजिए, इनको इसमें माइनस हो जाएगा आपको टैन थीटा, है ना, टैन थीटा और प्लस कॉट थीटा, तो इसी में मान हम लोग डालेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसका मान क्यूब वाला का मान निकला हुआ है ये 52 है, फिर गुना हो गया आपको स्क्वायर वाला का मान निकला हुआ ये 14 है, 14 है, और माइनस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का माइनस 4 है, ये 4 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 14 × 2 = 28, 14 × 5 = 70 और 2 = 72, आप में से 4 घटेगा तो 724 आपका जवाब हो जाएगा। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे 5 गुना पावर हो जा रहा, तो हर जगह इसका वेरिएशन के साथ अध्ययन करना, जैसे कोई चीज एक चीज पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ने से नहीं हो जाएगा, उसका उपयोग जानना है कि कहाँ कहाँ यूजफुल है। अब ये कंसेप्ट अलजेब्रा का था, जाके यूज हो गया कहाँ पर, त्रिकोणमिति में, तो आपको पूरा समझ में आएगा तब ना। आधा पढ़िएगा, आधा जानकारी रखिएगा तो परीक्षा में सफल होना क्या है मुश्किल है। आप पूरा जानकारी रखिए, भरपूर जानकारी रखिए, उसके जो है परिस्थितियों को समझिए कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारा कुछ आपको अध्ययन करने को यहाँ पर मिल रहा। नेक्स्ट आपको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, इस पर विचार करना है। पूरा वीडियो देखिएगा, टाइप 2 का आ रहा है, इसमें अगर जो है पावर 6 गुना करना, तो पावर 6 गुना हम लोग कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट है। आप देखिएगा यहां से पावर को एक बार 2 गुना कर देंगे, एक बार 3 गुना कर देंगे, है ना, तो 2 गुना 3 गुना मिलाकर हो जाएगा कई गुना, 6 गुना, एक बार 2 गुना, एक बार 3 गुना, तो मिलाकर हो जाएगा कई गुना, 6 गुना। तो ये चीज समझना है, तो पहले पावर 2 गुना करेंगे, उसके बाद फिर 3 गुना कर देंगे तो पावर हो जाएगा 6 गुना। जैसे मान लीजिए पावर आपको n है, इस पर पावर पहले 2 गुना किया, अब फिर पावर आपको जो है 3 गुना कर दिया, ये पावर हमारा 6n बन गया, यानी कि 6 गुना पावर हो जाता है। तो पहले 2 गुना करना है, फिर 3 गुना करना है, तो पावर हमारा कई गुना हो जाएगा, 3 × 6। तो आपको अध्ययन करना है यहाँ पर ही। अभी जैसे मान लीजिए कि इस पे जो है किसी लिखा हुआ है कि आपको एक बार पावर दुगुना करेंगे और इसके बाद में पावर कई गुना कर देंगे, 3 गुना, तो पावर हमारा बन जाएगा कई गुना, 6 गुना बन जाएगा।
इसी कंसेप्ट का देखिएगा प्रश्न आपको ऐसा, आपको x प्लस वन बटे एक्स बराबर चार है तो x पर पावर छह प्लस x पर पावर वन बटे x पर पावर छह का मान क्या होगा इसको निकालना। तो ध्यान से समझिएगा आपको जो है, जैसे सबसे पहले दिया हुआ x प्लस वन बटे x का मान ये चार दिया गया, तो पहले पावर दुगना कर लेते हैं, है ना, पावर दुगना कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वन बटे x स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा चार के स्क्वायर माइनस दो, यानी सोलह में से दो घट गया कितना चौदह। देखिए इससे ही बना, इससे ही बना, अब इससे हम पावर तीन गुना करें तो एक दूनी के दो और दो तीन छह होता, अब इससे हम यदि पावर करेंगे तो इसका तीन गुना करेंगे, इसका तीन गुना नहीं, फर्स्ट वाला का तीन गुना नहीं, इसका तीन गुना करेंगे। जब यहां से इस लाइन से हम तीन गुना पावर करेंगे तो इसका पावर तीन गुना होकर एक्स पर पावर छह बनेगा और प्लस वन बटे एक्स पर पावर छह बनेगा। ध्यान से समझिएगा, इससे हमारा तीन गुना हो रहा है तो तीन गुना होने के लिए चौदह का क्यूब हो जाएगा, आई प्लस है तो माइनस होगा, चौदह का तीन गुना घटेगा। अब ये चौदह का क्यूब आप लोग जानते होंगे, चौदह का क्यूब होता है सत्ताईस सौ बयालीस, अब घट जाएगा चौदह तीन के बयालीस, तो आपका जवाब देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा, सत्ताईस जीरो दो हो जाएगा, ये आंसर निकल गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि काम कैसे हुआ है ना, तो ये चीज है आपको, तो छह गुना पावर आराम से निकल रहा है बहुत सिंपल ढंग से। अब ध्यान से समझिएगा, ये पावर चार में है, ये पावर चौबीस में लाना है, यहां भी पावर आपको छह गुना करना है, तो छह गुना करने का यही विधि है, आपको सिंपल समझिए जो है। यहाँ पर पहला काम देखिएगा, आपको दिया गया है आपको एक्स पर पावर चार, एक्स पर पावर चार प्लस वन बटे एक्स पर पावर चार, ध्यान से समझिए इसको, ये पावर चार में दिया गया है, इसका मान है अंडर रूट सेवन। अब पहला काम होगा कि पावर दुगुना करना है, तो इससे हम पावर दुगुना कर देंगे, है ना, तो इससे दुगुना करेंगे तो एक्स पर पावर आठ निकलेगा, वन बटे एक्स पर पावर आठ होगा, चार का दुगुना आठ होता तो इधर हो जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर, रूट सेवन का स्क्वायर प्लस है तो माइनस दो होगा, जवाब हमारा क्या होगा सात में से दो घटेगा तो ये पांच आ जाएगा। अब इससे हम जो है आपको तीन गुना करेंगे, आठ किया के चौबीस पावर आ जाएगा, अब x पर पावर 24 होगा प्लस हो जाएगा 1 बटे x पर पावर 24। अब जरा देखिएगा ये 5 का क्यूब हो जाएगा, आई प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 का 3 गुना, अब यहां पर जवाब हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और माइनस 15, तो जवाब आपको 125 में से 15 घट गया तो जवाब हो जाएगा 110, ये आंसर आ गया आपको। तो बहुत ही सिंपल तरीका से आपने पावर छह गुना बना दिया, चार पावर में था उसको छह पावर, छह गुना पावर किया। यदि आपको प्रक्रिया पता है तो आपको किसी भी प्रकार के इस तरह का प्रश्न रहेगा, कोई भी प्रश्न रहेगा इस तरह का, तो आप आराम से बना सकते हैं। अभी देखिएगा टेन पॉट में भी इसका पावर छह गुना हो सकता है, तो वहां भी आपको करना है, आप ध्यान देंगे, जैसे आपको समझिएगा यहाँ से टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया, तीन दिया गया। अब तो पहले स्क्वायर करें, पावर दुगना करेंगे तो पावर दुगना करेंगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, पावर दुगना करेंगे तीन का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस दो होगा तो जवाब हो जाएगा सात यहाँ पर। अब इसका इस सेकेंड लाइन का तीन गुना पावर करेंगे तो ये दो का तीन गुना छह होता है तो आपको बन जाएगा टेन सिक्स थीटा, इससे सेकेंड वाला लाइन से, और फिर हो जाएगा कॉट सिक्स थीटा। अब जरा सात का क्यूब, तीन गुना पावर हो रहा है तो क्यूब करना है सात का क्यूब, यहाँ प्लस है तो माइनस सात का तीन गुना, अब जरा सा समझिएगा सात का क्यूब 343 और में से 21 घटेगा तो हो जाएगा 322, तो ये जवाब आपका आ गया, फटाफट बन गया 322 आपका आंसर निकल गया। तो पूरा अध्ययन आपको होना चाहिए, कंप्लीट अध्ययन। अभी और ध्यान देंगे कि टाइप आपको जो है तीसरा टाइप में हम लोग पहुंच रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर सात गुना करने के लिए। कंसेप्ट तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, कोई खास चीज है नहीं, पावर सात लाना है तो चार और तीन में तोड़ेंगे या एक के अंतर में क्या करेंगे घटाएंगे, विषम संख्या में तो ऐसे ही होता है, एक्स पर पावर सात प्लस वन बटे एक्स पर पावर सात, शुरू में ही हमने बताया था कि ये सात को तोड़ेंगे चार या और तीन में तो एक्स पर पावर चार
प्लस वन बटे एक्स पर पावर चार ऐसा ना, और फिर गुना, फिर इसमें किससे गुना, चार और तीन सात होना है तो तीन पावर आएगा एक्स पर पावर तीन प्लस वन बटे एक्स पर पावर तीन। देखिए चार और तीन मिला के सात हो जा रहा है, लेकिन ये दोनों के पावर के अंतर के से घटता, ये चार पावर है तीन पावर है तो चार पावर तीन पावर में अंतर एक का हुआ तो एक पावर वाला घट जाएगा एक्स प्लस वन बटे एक्स, यानी यहाँ एक्स पर पावर एक छुपा हुआ, एक पावर छुपा हुआ है तो एक पावर वाला घट गया, यानी चार और तीन पावर वाला गुना हो गया है, एक पावर वाला घट गया। अब यहाँ से देखिएगा यही मान निकालना है, यही फॉर्मूला है, तो यानी आपको सबसे पहले पावर चार में जाना है, फिर तीन में जाना है, एक वाला को क्या करना है घटाना है। अब देखिएगा इस पर प्रश्न कैसे हल होगा उसको समझना, पहले पावर चार का हमको निकालना पड़ेगा, फिर तीन का निकालना होगा, तब ना चार तीन सात होगा। अब जरा सा समझिए प्रश्न कैसे हल होगा, अभी हमारे पास में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर अंडर रूट फाइव, ये दिया हुआ है। अब इसका पावर दुगना कर ले, पावर दुगना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, अब इसका मान क्या होगा, रूट फाइव का स्क्वायर होगा, ध्यान से समझिए रूट फाइव का स्क्वायर और माइनस दो यानी कि आपको तीन आ जाएगा। अब इसका दुगना करेंगे तो पावर चार हो जाएगा, इसका पावर दुगना करेंगे, अब एक्स पर पावर चार प्लस वन बटे एक्स पर पावर चार बराबर क्या होगा, ये यहाँ से आइए तीन का स्क्वायर, आइए जो है आपको प्लस है तो माइनस दो यानी तीन किया के नौ में से दो गया तो कितना होगा सात, ध्यान से समझिए एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर रूट फाइव है, पावर दुगना किया तो इसका स्क्वायर करके दो घटाया तीन आ गया, फिर इसका दुगना किया तो इसका स्क्वायर तीन का स्क्वायर में से दो घट गया तो कितना आ गया सात आ गया। अब आपको जो है तो पावर चार का मान निकला, अब पावर तीन चाहिए, सात पावर लाने के लिए चार और तीन जोड़ के सात होता, तो पावर तीन का भी मान निकालना है तो एक्स क्यूब प्लस वन बटे एक्स क्यूब इसका मान निकालना है तो रूट फाइव का होल क्यूब हो जाएगा, इसी में से तीन गुना रूट फाइव का क्या होगा घटेगा। अब जवाब आपका इसका हो जाएगा फाइव रूट फाइव, आप जानते होंगे क्यूब करने पर फाइव रूट फाइव होता है, आई इसमें से घट जाएगा थ्री अंडर रूट फाइव, तो ध्यान से समझिएगा ये फाइव होता है फाइव का स्क्वायर और रूट फाइव गुना हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर और रूट फाइव तो फाइव रूट फाइव बनेगा और ये बनेगा आपको जो है थ्री रूट फाइव, घटने पर जवाब जो होगा वो टू रूट फाइव हो जाएगा। आप देखिएगा एक्स पर पावर सात का मान निकल जाएगा, एक्स पर पावर सात प्लस वन बटे एक्स पर पावर सात इसका मान जो है आपको आप फॉर्मूला जानते हैं, एक्स पर पावर चार प्लस वन बटे एक्स पर पावर चार इंटू जो है एक्स क्यूब प्लस वन बटे एक्स क्यूब है ना, और माइनस एक्स प्लस वन बटे एक्स, इसमें आपको रखना है सारा मान आपने निकाल रखा है तो केवल वैल्यू रखना है, इसका मान बताइए, देखिए चार पावर वाला का मान आपने निकाल रखा है सात है, यहाँ सात रख देना है फटाफट, और तीन पावर वाला का मान निकाले हुए टू रूट फाइव तो ये टू रूट फाइव हो गया, अब एक पावर वाला को घट जाएगा यानी कि रूट फाइव घट जाएगा, ये रूट फाइव घट जाएगा, ध्यान से समझिएगा सात दुनिया के चौदह रूट फाइव, चौदह रूट फाइव में से रूट फाइव घट जाएगा है ना, चौदह रूट फाइव में से रूट फाइव यदि घट जाएगा तो बचेगा कितना तेरह रूट फाइव, ये जवाब आपका हो गया तेरह अंडर रूट फाइव, तो ये आंसर आपका निकल गया तो बहुत ही सरल तरीका से बन गया। आप यदि जान रहे हैं बनाने के लिए बहुत सरलता पूर्वक बनता है, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से बनता है, लेकिन आपको अंत तक बनाना पड़ेगा क्योंकि अंत तक बनाइएगा नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, अधिकांश टीचर करते क्या अगर बन जाएगा हो जाएगा कर देना ऐसे करके लड़कों पे ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपको एक आध देना तो बताना पड़ेगा ना ताकि वो आगे भी कुछ कर सके। ध्यान से समझिएगा यहाँ पावर चार है यहाँ अट्ठाईस है तो आपको जो है इसको अट्ठाईस पावर में लाना यानी पावर सात गुना करना, तो पहले आपने दुगुना चार गुना किया था तीन गुना किया था, चार गुना तीन गुना तब सात गुना हुआ था, तो आप पहले वही काम करना होगा, पहले चार गुना करना होगा फिर तीन गुना करना होगा तब जाकर चार गुना तीन गुना करेंगे तब अट्ठाईस गुना हो। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ सबसे पहले दिया हुआ एक्स पर पावर फोर, एक्स पर पावर फोर प्लस वन बटे एक्स पर पावर फोर बराबर पांच दिया हुआ है,
तो पहले दुगना होगा, चार गुना तो एकाएक होता नहीं, पहले दुगना होगा तो चार गुना होगा, है ना। तो आप पहले दुगना कीजिएगा तो x पर पावर 8 का मान निकलेगा, x पर पावर 8 और प्लस 1 बटे x पर पावर 8 का मान, ये 5 का स्क्वायर माइनस जो है 5 का स्क्वायर माइनस 2 आपका 23 आ गया। अब इसका जो है फिर दुगना करेंगे तो 16 पावर में आ जाएगा, यानी x पर पावर 16 प्लस 1 बटे x पर पावर 16 अभी हो जाएगा x पर पावर 16, तो आपको 23 पर पावर 23 का स्क्वायर माइनस 2 23 का स्क्वायर माइनस 2 23 का स्क्वायर 529 और उसमें से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 527। ये पहले पावर 4 गुना लाया, यहाँ पावर 4 था यहाँ पावर 16 हुआ, तो पहले पावर 4 गुना किए, पावर 4 गुना हो गया। अब पावर 3 गुना भी करना, 4 और 3 7 गुना करना, तो आप पावर 3 गुना करेंगे तो 4 किया थे 12, x पर पावर 12 प्लस 1 बटे x पर पावर 12, अब 3 गुना करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा 5 का 3 गुना घटेगा भी, है ना, तो आपका 125 में से 15 घटेगा तो ये बन जाएगा 100 कितना 10। अब आपको x पर पावर उसका मान निकल जाएगा, x पर पावर 28 ध्यान से समझिएगा, x पर पावर 28 प्लस 1 बटे x पर पावर 28 ये टूटेगा आपको, ये 16 और 12 16 12 28 होता है, तो x पर पावर 16 प्लस 1 बटे x पर पावर 16 इंटू x पर पावर 12 प्लस 1 बटे x पर पावर 12 आ इसमें से घटेगा, ये दोनों का अंतर 4 देखिए, तो इसमें घट जाएगा x पर पावर 4 प्लस 1 बटे x पर पावर 4। सारे का मान रख दीजिएगा आपका जवाब फिनिश हो जाएगा, है ना, लेकिन आपको मैं रख के बताऊंगा, है ना, पूरा का पूरा। तो ये जी समझना, इसका मान आपको निकला हुआ है 527, ध्यान से समझिए, x पर पावर 16 इसका मान निकला हुआ है 527। आप जरा देखिएगा 12 वाला का मान निकला हुआ है 110, तो 110 से आपका गुना हो गया, अब घट जाएगा, 4 वाला का मान दिया हुआ था x पर पावर 4, इसका मान 5 दिया हुआ है। ये चीज है आपको, अब इसको गुना करना है आपको, तो 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और इसमें घट जाएगा 5, ये 65 5 7 9 6 5 आंसर आपका हो जाएगा। ये अध्ययन आपको रखना है, पूरा पकड़ बना करके रखना, अध्ययन सीखना है आपको। आप पूरा देखिए, ध्यान दीजिए, रेलवे के लड़के हैं या एसएससी के हों या फिर जो है कहीं के हों, आपको पूरा सीखना। अब कोई ऐसा विभाग नहीं रह गया है कि जहाँ पर मतलब कि जो है एडवांस मैथ का क्वेश्चन नहीं आता। यदि आप कम सीखते हैं इसका मतलब आप इस समय के हिसाब से आप पढ़ाई और अध्ययन नहीं कर रहे हैं। रेलवे का तो बहुत सारा जो है सो कि जॉब्स बंद होने जा रहा है ना, बंद हो भी गया है कुछ कुछ, लेकिन आपको समझना है कि आपका रास्ता जो बचा हुआ है, अब इस तरह का संघर्ष आपके साथ में है, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, अब छोड़ने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा। एक भाषा आप लोग सोचते होंगे कि ये केवल एसएससी में आता है, एसएससी केवल नहीं आता है, अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको कहीं भी आ सकता है इस तरह का प्रश्न, तो आपको समझना है, अध्ययन करना। अभी देखिएगा ये भी है पावर 7 गुना लाना, टाइम कोर्ट में भी इसका इस्तेमाल होगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा नहीं देखिएगा तो पूरा बात समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखना। अब एक देखिएगा tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर आपको 4 हुआ। अब 7 पावर में लाने के लिए पहले पावर 4 में जाना होगा, तो स्क्वायर करेंगे पहले, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 4 चौक 16 में से 2 गया 14 हो गया, फिर जो है आपको अब जो है इसका फिर स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर किया फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो अब जब इससे करेंगे तो tan 4 थीटा, यहाँ सेकेंड लाइन से हो रहा प्लस हो जाएगा cot 4 थीटा बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 में से 2 कम 194 है ना। और फिर जो है आपको पावर आपको 4 में निकला लेकिन 7 लाना है, अभी 3 और निकलाना है ना, तो अब इससे देखिएगा फर्स्ट वाला से, यहाँ से फर्स्ट वाला से हम यहाँ आ रहे हैं, tan क्यूब थीटा पावर 3 में tan क्यूब थीटा और प्लस जो है cot क्यूब थीटा,
है ना। अभी फर्स्ट वाला से क्यूब कर रहे हैं, फर्स्ट वाला से तो चार का क्यूब हो जाएगा, चार का क्यूब माइनस चार का तीन गुना, यानी आपको 64 में से 12 जाएगा तो 52 हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसका मान निकाल सकते हैं। एक टैन थीटा, टैन 7 थीटा और प्लस जो है आपको कॉट 7 थीटा बराबर क्या होगा इसको समझना। इसका मान जो होगा आपको जो है सबसे पहले चार वाला टैन 4 थीटा, टैन 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा है ना, और इसमें गुना हो जाएगा कौन वाला, गुना हो जाएगा आपको जो है ये वाला 3 वाला टैन क्यूब थीटा, टैन क्यूब थीटा और प्लस जो है कॉट क्यूब थीटा है ना, और इसमें घटेगा फिर माइनस होगा है ना, माइनस हो जाएगा आपको टैन थीटा, ये दोनों का अंतर एक है तो टैन थीटा और प्लस कौन सी कॉट थीटा। परीक्षा में आप सूत्र नहीं लिखिए, बिना सूत्र के ही काम चला लीजिएगा। जैसे आपको देखिएगा तीन और चार वाला को गुना करना है, इसको क्या करना, घटा देना, इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं आपको एग्जाम में। आप यदि बात समझ लें चार वाला तीन वाला को गुना करेंगे या एक वाला को क्या करेंगे घटा देंगे, तो आप डायरेक्ट निकालिए पावर चार वाला कितना है 194, डायरेक्ट निकालिए। पावर तीन वाला कितना है 52, तो 52 यहाँ लिखाएगा। अब पावर चार और तीन हो गया तो घटेगा पावर एक वाला, पावर एक वाला कौन है चार, तो डायरेक्ट आप बने फॉर्मूला लिखिए नहीं, फॉर्मूला लिखना कोई जरूरी नहीं, ये शुरू शुरू स्टार्ट में आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि आपको कुछ हैबिट बनाना होता है। जब आप क्षमतावान हो जाइएगा तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको गुना करना है तो गुना करना होगा भैया, कितना होगा 4 × 8 × 19 × 38 और 5 × 4 = 20 × 19 = 95 और 97। जवाब आपका हो जाएगा 8 × 8 × 7 = 10 × 9 = 10 और घटा 4। आप देखिएगा 10088 में से घट जाएगा तो 10,000 बचेगा 84, ये जवाब हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा है ना। तो ये सब आपको सीखना है कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन पर भी आपको पकड़ होनी चाहिए है ना, सीखना होगा। अभी देखिएगा हम लोग सीख गए पावर 7 गुना, चौथा टाइप हो गया पावर 8 गुना। तो पावर 8 गुना के लिए कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, दिमाग करना है। अभी आपको पावर 8 गुना लाना है उसके लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तीन बार 2 2 गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना तो 2 × 4 × 8 गुना हो जाएगा। सिंपल सा है, पहले दुगुना करेंगे फिर दुगुना वाला को 4 गुना करेंगे, दुगुना वाला को दुगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, फिर 4 गुना को दुगुना कर देंगे तो 8 गुना हो जाएगा। ये सिंपल है, आप इसका क्वेश्चन देखिएगा सबसे सरल है, आसान है। अभी देखिएगा x + 1/x बराबर 3 है, तो आप पहले दुगुना कीजिए x² + 1/x² बराबर हो जाएगा 3² - 2, तो 3 × 8 = 9 में से 2 गया 7, फिर इसका दुगुना, जैसे इसका दुगुना होगा, अब इसका दुगुना करेंगे, इसका दुगुना करेंगे तो x² + 1/x² और बराबर 7² - 2, 49 में से 2 जाएगा तो 47 बचेगा। अब इसका दुगुना ध्यान से समझिएगा, अब इसका दुगुना करेंगे तो x² + 1/x² हो जाएगा, अभी 47 का स्क्वायर और -2, 47 का स्क्वायर जो है आपको होता है 22.09 और उसमें से 2 घट जाएगा है ना, 47 का 3 × 9 और 3 घटेगा तो 22 हो जाएगा, 22.09 में से 2 घटेगा तो जवाब आपका हो जाएगा 22.07, ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से आपको समझना है ये 8 गुना कैसे हुआ, पहले दुगुना किए फिर दुगुना किए अब फिर दुगुना किए, 3 बार दुगुना किए तो पावर 8 गुना में आ गया। उसी तरह से देखिएगा आपको आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी पावर लाना है 8 गुना, 5 पावर में है 8 40 लाना है, ये भी 8 गुना है आपका, तो बहुत सिंपल ढंग से बनेगा, ध्यान से समझिएगा। आपको पहले जो है आपको क्या करना है, पहले आपको पावर जो है दुगुना करना, जैसे दिया हुआ है x² + 5 + 1/x² बराबर √13, तो पहले पावर दुगना करेंगे तो पावर 10 हो जाएगा x² + 1/x² अब देखिएगा √13 का स्क्वायर होगा, इसमें से 2 घटेगा तो 13 में से 2 घटा है ना, 13 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 13 में से 2 घटेगा तो 11 बचेगा,
आप जरा देखिएगा, फिर दुगना करेंगे इसका दुगना, तो x पर पावर 20 प्लस 1 बटे x पर पावर 20 है ना बराबर, अब ये 11 क्या स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो 121 में से 2 घट गया तो 100 कितना हो गया 19। अब इसका दुगना करेंगे, अभी 20 का दुगना 40 हो जाएगा, तो x पर पावर 40 प्लस 1 बटे x पर पावर 40। अब देखिएगा इसका दुगना हो रहा है, इसका दुगना होगा तो 119 का स्क्वायर होगा, और प्लस है तो माइनस 2 होगा, तो 119 का स्क्वायर 19 का 361 है ना, 19 दूनी के 38 और 3 41, 141 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 14159। तो आपको यहाँ पर करना होता है ना पूरा का पूरा। अब स्क्वायर जब हम लोग सिखाएंगे आपको कैलकुलेशन में मिलेगा तो बता देंगे कि 119 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी तो थोड़ा समय कम है इसमें, तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा आपको बताने में असमर्थ हैं, लेकिन आपको हम बता देंगे कैलकुलेशन वाले चैप्टर में कि 119 का कैसे निकलता है। 19 का स्क्वायर 61, 19 और जोड़ेंगे तो 138 हो जाएगा, 138 और बाकी 3 था तो 141 और माइनस 2 इस तरह से निकलता है। आप ध्यान देंगे कि टैन कॉट में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब जरा सा समझिएगा, यहाँ से जो है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 अंडर रूट कितना दिया हुआ 5। अब इसका मान पहले स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, आप प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, पावर दुगना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 5 = 20, 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 2, जरा देखिएगा कि कितना मान आवेगा इसका, है ना। अब इसका मान हो जाएगा 4 × 5 = 20, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 5, 4 × 5 = 20, और 20 में से 2 घट गया तो बच गया कितना 18। अब जो है इसका फिर इसका स्क्वायर करेंगे टैन 4 थीटा, टैन 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा, ध्यान से समझिएगा, तो 18 के स्क्वायर माइनस 2 होगा तो यानी 324 में से 2 कम, 18 का स्क्वायर 324 उसमें से 2 कम तो 300 हो जाएगा 22। अब जो है आपको पावर 8 में निकालना है तो अब इसका हो जाएगा टैन टैन 8 थीटा और प्लस कॉट 8 थीटा, अब इसका मान क्या होगा कि 322 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, और माइनस 2 होगा, 322 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा है ना, 22 का स्क्वायर 400 कितना होता है 84, 484 22 जोड़ेंगे तो 344 गुणे 3 हो जाएगा है ना, तो 4 × 12 = 16, 4 × 12 = 13, 3 × 9 = 10, 1036, 10 × 3 = 8, 4 × 2। अब जवाब जो हो जाएगा 1,36,103,684 में घट जाएगा 2, 1,03,068 और 2, ये जवाब हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि अध्ययन करना, हाँ ठीक है, तो ये चीज अध्ययन होना चाहिए आपको सही तरीका से है ना, तो पूरा समझ आपको रहेगी तो आपको आसानी से प्रश्न हल होते जाएगा, ध्यान देते जाइए आप। आगे भी पढ़िए, देखिए पांचवा टाइप है पावर 9 गुना करना, तो ये इसका पावर एक बार 3 गुना करेंगे और फिर 3 गुना करेंगे तो पावर कई गुना हो जाएगा 9 गुना, तो इसमें तो कोई जान नहीं, बहुत ही सिंपल है, 2 बार पावर 3 गुना करना, ध्यान से समझिए यहाँ पर, इसका जो है 2 बार पावर 3 गुना कर देंगे तो आपको जो है पावर 9 गुना आ सकता है, या फिर 4-5 में तोड़ के निकालिए है ना, 4 और 5 में आपको तोड़ के निकालिएगा तब भी आ सकेगा, 4-5 में तोड़ करके भी आपको 9 गुना हो सकता है ना, ये है 2 बार 3 गुना करके भी निकाल सकते हैं, 1 बार 3 गुना और फिर 3 गुना तो 3×3 = 9, तो 9 पावर आ जाएगा, या फिर आप 4-5 में तोड़ के भी इसको निकाल सकते हैं, पावर 5 में या फिर 4 में निकाल के, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, अभी ध्यान देंगे यहाँ से जो है इसमें जैसे पावर 4 है ना, देखिएगा x प्लस 1 बटे x बराबर कितना होता है, तो पावर पहले 3 गुना कर ले, तो इसका देखिए 3 गुना करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब इसका मान निकलेगा, तो 4 क्यूब में से घट जाएगा 4 के 3 गुना है ना, तो आपका 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 घट गया तो कितना बचा 52, अब इसका 3 गुना कर देंगे, इसका 3 गुना कर देंगे तो 3×9 हो जाएगा, यानी x टू दी पावर 9 प्लस 1 बटे x टू दी पावर 9,
इसका मान निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 52 का क्यूब है ना, अब माइनस 52 का कई गुना, 3 गुना। अब ये जवाब हो गया, 52 का क्यूब निकालना होगा आपको यहाँ से, तो 52 का स्क्वायर होता है, 52 का स्क्वायर होता है 25 और 27 04, और 52 से और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 * 54 08, 50 * 25 = 20, 27 * 25 = 35 से आपका जो है 8 0 4 2 6 5 5 10 13 14, ये तो क्यूब निकल गया, 52 का क्यूब आपका हो गया, देखिएगा जवाब हो जाएगा 14 06 08, 14 06 08, और इसमें 2 * 3 = 6 5 * 3 = 15 घट जाएगा, और आप घटा लीजिए इसको जो है, यहाँ पर बच जाएगा आपको 2, ध्यान दीजिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर बच गया 6, 6 में से 1 गया तो 5 बच गया, और 140 यही जवाब आ गया आपको, है ना। ये ध्यान से सीखना है आपको कि अध्ययन करना है कि कैसे हुआ, तो पूरा का पूरा समझ आपको आनी चाहिए, पूरा पकड़ आपको रहना चाहिए इसमें। यहाँ पर भी पावर देखिए 4 है और 9 गुना हुआ है, तो 4 है 9 गुना हुआ है, तो आपको इस तरह से बना सकते हैं, 2 बार 3 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, जैसे ध्यान दीजिए अभी आपको पावर 4 बराबर दिया हुआ है, एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर √13 दिया गया। अब जरा इसको मतलब कि जो है आप 3 गुना करिएगा, x पर पावर 12 प्लस 1/x पर पावर 12 का मान निकलेगा, तो इसका √13 का क्यूब हमें से घट जाएगा 3 × √13, अभी बन जाएगा 13√13 में से घट जाएगा 3√13, अब इसमें से ही घटेगा तो 13 में से 3 घटा तो 10√13 बचा। अब फिर इसका आप 3 गुना करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो x पर पावर 36 प्लस 1/x पर पावर 36, तो इसका क्यूब हो जाएगा 10√13 का क्यूब, है ना, आईसी में घट जाएगा 3 × 10√13। अब इसका मान क्या आएगा, 10 का क्यूब तो 1000 होता है, ये तो 1000 हो जाएगा, और इसका क्यूब हो जाएगा 13√13, है ना, अब घट जाएगा 10 * 30√13। अब जरा सा देखिएगा, ये 3000 हो जाएगा √13, और इसमें से 30√13 घटेगा, तो 3000 में से 30 घट गया तो 2970 और √13, तो ये जवाब हो जाएगा आपको, आंसर निकल जाएगा, है ना। तो पूरी प्रक्रिया समझना है आपको, अध्ययन करना है ना, पूरा सीखा हुआ होना चाहिए। इसी तरह का प्रश्न देखिए और है ना, ये भी आपका बन जाएगा, है ना, बहुत आसान है, 3 बार कर दीजिएगा आपका जवाब जो है फिनिश हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपको इस ये जो प्रश्न है, ये भी जैसे tan थीटा हो गया और प्लस हो जाएगा cot थीटा बराबर 3, तो इसका 3 गुना करेंगे तो tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का 3 गुना घटेगा तो जवाब हो जाएगा 27 में से 9 घट गया तो 18 हो जाएगा, फिर इसका 3 गुना हुआ, अब इसका 3 गुना करेंगे तो tan 9 थीटा है ना, अब प्लस हो जाएगा cot 9 थीटा बराबर हो जाएगा 18 का क्यूब माइनस 18 का 3 गुना, है ना, 18 का क्यूब कितना होता 68 18 का 9 18 का क्यूब होता है 17 का 49 मेरा 18 का क्यूब 58 32 घटा 18 * 54, जरा घटा लीजिए 12 में से 4 गया तो 8 बच जाएगा, और यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, ये 57 178 आपका जवाब होगी। तो बहुत ही काफ़ी है आपके लिए, इम्पोर्टेंट था आज का क्लास, है ना, तो आज जो है यहाँ तक हम लोग सीख पाए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको इस पर पूरा प्रैक्टिस भी करना होगा, आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से जुड़िए और सारे दोस्तों को बताइए, जितना भी हो सके आपका सहयोग हमको मिलते रहेगा, तो इसी तरह से लाइव क्लास भी आपको आते रहेंगे, हमेशा आपको मदद होते रहेगा, आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं, जब आप पढ़िएगा तो आपको हमेशा जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्लासरूम में नहीं पढ़ रहे हैं,
तो आपको अध्ययन होना चाहिए, पूरा का पूरा समझ होना चाहिए, आपका भविष्य बनाना ही हमारा उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे आज का क्लास यहीं तक। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया एक बार तो कर दीजिए, कम से कम सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए हमको, है ना। ठीक है, आज यहीं तक, धन्यवाद।